गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः आपके सामने इंग्लिश स्नैपचैट सप्लीमेंट्री रीडर से सेकंड लेसन का दूसरा पार्ट, जिसका टाइटल है द एड्रेस का सेकंड पार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपनी किताबें खोल लीजिए, मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था, मार्गा मिंटो मिंको, जो कि स्वयं एक पुत्री के रूप में थी, अपनी माँ के द्वारा बताए गए एड्रेस पर मिस डार्लिंग के यहाँ पहुँची हुई थी, जहाँ पर डार्लिंग ने उससे पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन वह बालिका जब डार्लिंग के स्वेटर को देखा तो उसे विश्वास हुआ कि उसकी माँ ने ही वह स्वेटर बनाया था। लेकिन डार्लिंग ने अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया और डार्लिंग ने पूछा, क्या आप लोग वापस आ गए हैं? तो मैंने सोचा कि नहीं, केवल वापस तो मैं आई हूँ। आगे देखिए, द डोर ओपेंड एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर इमर्स्टी स्माइल इमर्ज्ड। ए डोर, एक दरवाजा, ओपेंड खुला एंड क्लोज्ड और बंद हो गया। इन द पैसेज, गलियारे में, बिहाइंड हर, उसके पीछे, किसके पीछे? मिस डार्लिंग के पीछे एक गलियारा था और उस गलियारे में एक दरवाजा खुलता है और पुनः बंद हो जाता है। There was a door behind Miss Darling in the corridor which opened and again closed। खुला और पुनः बंद हो गया। तो इसका मतलब क्या था? खुला बंद हुआ, इसका मतलब ये था, ए मस्टी स्मेल, ए माने एक, मस्टी माने सीलन भरी, सर्दी भरी हुई, स्मेल माने बदबू, इमर्ज माने फैल गई। उस कमरे से सीलन भरी बदबू फैल करके मेरे पास आई। आई रिग्रेट, मैंने खेद प्रकट किया। आई रिग्रेट आई कैंट डू एनीथिंग फॉर यू, मिस डार्लिंग ने कहा मुझसे। आई रिग्रेट, मुझे खेद है, मुझे दुख है। आई कैंट डू, मैं नहीं कर सकती हूँ एनीथिंग, कुछ भी फॉर यू, तुम्हारे लिए। मिस डार्लिंग ने मुझे कहा कि मुझे खेद है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अंडरस्टैंड, आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन ए ट्रेन। मैंने मिस डार्लिंग से कहा कि मैं आई हूँ हियर, अर्थात तुम्हारे पास, स्पेशली माने विशेष रूप से, ऑन ए ट्रेन, एक रेलगाड़ी में। मिस डार्लिंग, मैं विशेष रूप से एक रेलगाड़ी में हो करके तुम्हारे पास आई हूँ। बात समझ में? मैं विशेष रूप से एक ट्रेन में बैठ करके तुम्हारे पास आई हूँ। मैं चाहती थी टू टॉक, बात करना, फॉर टू यू, तुमसे, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण। मैं आपसे एक क्षण बात करना चाहती थी, ज़्यादा नहीं, बस एक क्षण मैं आपसे बात करना चाहती थी। It isn't convenient for me now। इट माने यह, इजेंट नहीं है, कन्वीनियंट माने सुविधाजनक, फॉर मी, मेरे लिए, नाउ माने अब। सेड द वुमन, उस औरत ने कहा, अर्थात डार्लिंग ने कहा कि बात करना मेरे लिए इस समय सुविधाजनक नहीं है, मैं इस समय आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। इट, यह, इजेंट है, कन्वीनियंट, असुविधाजनक, फॉर मी, मेरे लिए, नाउ माने अब मेरे लिए तुमसे बात करना सुविधाजनक नहीं है। आई कैंट सी यू, मैं आपसे नहीं मिल सकती, अर्थात मैं आपसे बात नहीं कर सकती। एनदर टाइम, दूसरी बार हम लोग बातें करेंगे। सी नोडेड, उसने सिर हिलाया, एंड कासली
सावधानी पूर्वक क्लोज्ड माने बंद कर लिया द डोर माने दरवाजे को। बेटा बड़ी सावधानी के साथ उसने अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिया, एज दो मानो नो वन कोई इनसाइड अंदर द हाउस माने घर के शुड बी डिस्टर्ब परेशान हो। दरवाजे को उसने इतने आराम से बंद किया ताकि घर के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। बड़ी सावधानी के साथ उसने दरवाजे को बंद कर लिया। आई स्टूड में खड़ी थी हुए जहाँ पर आई वाज ऑन द स्टेप, आई थी वाज ऑन द स्टेप माने सीढ़ी, मैं उसी सीढ़ी पर खड़ी थी जिस सीढ़ी पर मैं पहले से खड़ी थी। आई वाज स्टैंडिंग एट दैट प्लेस एट बिफोर आई वाज स्टैंडिंग, जहाँ पर मैं पहले से खड़ी थी मैं उसी स्थान पर खड़ी थी। ए कर्टेन, एक पर्दा इन फ्रंट ऑफ सामने, इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, सामने वाली खिड़की, सामने खुलने वाली खिड़की पर एक पर्दा मूव्ड माने हिला अर्थात खुला। बेटा सामने की जो खिड़की थी वहां पर एक पर्दा क्या हुआ, हिल गया अर्थात खुल गया। Someone staring, someone stared, someone कोई stared माने घूर रहा था at me माने मुझे, कोई मुझे घूर रहा था and और would then तब have asked माने पूछा what I wanted और वह पूछना चाह रहा था कि मैं क्या चाहती थी, मैं क्यों खड़ी थी, what was the reason why I was standing at that place। Oh nothing the woman would have said, वह औरत अर्थात डॉर्लिंग ने कहा अरे नहीं कोई बात नहीं है, इट वॉज नथिंग कोई मतलब नहीं है, उस महिला से बात करने का कोई मतलब नहीं है, विदाउट एनी रीजन सी इज स्टैंडिंग एट दैट प्लेस। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, बेटा घर के सामने जो नेम पट्टिका थी नाम पट्टिका उसे मैंने पुनः देखा। आई लुक्ड मैंने देखा द नेम प्लेट नाम पट्टिका को अगेन माने पुनः। डार्लिंग इट सेड, वह नाम पत्रिका कह रही थी, इट सेड इट माने यह अर्थात नाम लिखी हुई पट्टिका, सेड माने बता रही थी डार्लिंग कि उस पर डार्लिंग लिखा था अर्थात वह घर डार्लिंग का ही था। इन ब्लैक लेटर काले अक्षर में, ऑन वाइट माने सफेद, इनेमल इनेमल माने दीवार का जो पाक होता है उसी सफ़ेद दीवार के पाखे पर लिखा था मिस डॉर्लिंग, जिसे मैंने स्पष्ट रूप से देखा और पढ़ा। एंड ऑन द जंप और थोड़ा दूर, ऑन द जंप थोड़ा दूर, ए बिट हायर थोड़ा ए बीच ए बिट हायर थोड़ा ऊपर द नंबर लिखा हुआ था, घर का नंबर लिखा हुआ था नंबर 46, मकान नंबर 46 और नेम प्लेट पे लिखा था डार्लिंग। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब मैं धीरे धीरे स्टेशन को जा रही थी, एज जब आई वॉक्ड मैं जा रही थी स्लोली धीरे धीरे बैक वापस टू द स्टेशन, जब मैं मिस्टर डार्लिंग के घर से होकर के धीरे धीरे स्टेशन को जा रही थी, बात समझ में आई। आई थाट अबाउट मदर, आई मैं थाट माने सोच रही थी, अबाउट माई मदर अपनी माँ के बारे में, बेटा मैं अपनी माँ के बारे में सोच रही थी, हु हैड गिवन मी द एड्रेस इयर्स अगो, हु माने जिसने अर्थात मेरी माँ ने, हैड गिवन माने दिया था, मी माने मुझे, द एड्रेस माने पता इयर्स अगो वर्षों पहले, जो पता मेरी माँ ने वर्षों पहले मुझे दिया था। क्लियर हो रहा। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जब मैं धीरे धीरे स्टेशन को जा रही थी, आई थाट अबाउट माई मदर, मैं अपनी माँ के बारे में सोच रही थी, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर अगो, जिन्होंने मुझे डार्लिंग का पता वर्षों पहले मुझे दिया था। इट हैड बीन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, इट माने या हैड बीन था इन द फर्स्ट हाफ, प्रथम आधे आप वार माने युद्ध,
या युद्ध के पूर्वार्ध का समय था बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द फर्स्ट हाफ मीन्स पूर्वार्ध, पूर्व के आधे का समय, ध्यान दीजिएगा। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, युद्ध के पूर्वार्ध का समय था। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों से अपने घर पर ठहरी हुई थी। आई वॉज, मैं थी, होम माने घर पर, फॉर ए फ्यू डेज कुछ दिनों से, मैं कुछ दिनों से अपने घर पर ही ठहरी हुई थी। एंड आई स्ट्रक इट, स्ट्रक इट माने या स्ट्रक माने अचानक कोई बात आ जाना, मी इमिडिएटली माने अचानक, मुझे अचानक ये बात समझ में आ गई, दैट की समथिंग कुछ आर अथवा अदर या अन्य चीज़ें अबाउट द रूम कमरे में हैड चेंज माने बदल चुकी थी। मुझे यह बात अचानक समझ में आ गई कि कमरे में कुछ चीज़ें बदल चुकी थी, अर्थात कमरे में बदलाव हो चुका था। ध्यान दीजिएगा, इट स्ट्रक टू मी या समझ में आ गया मुझे इमीडिएटली अचानक, दैट समथिंग कुछ आर अदर या अन्य चीज़ें, द रूम माने कमरे में है चेंज माने बदल गई थी। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, आई मैं मिस्ड माने खो चुकी थी, वेरियस माने विभिन्न थिंग्स माने वस्तुओं को, अब मैं अपने घर से विभिन्न वस्तुओं को खो चुकी थी, अर्थात मेरे घर से बहुत सारी वस्तुएं गायब हो चुकी थी, बहुत सारी वस्तुएं गायब हो चुकी थी। माई मदर वॉज सरप्राइज, मेरी माँ आश्चर्य प्रकट कर रही थी। आई शुड हैव नोटिस्ड, आई मीन्स मैंने शुड हैव नोटिस्ड माने ध्यान दे दिया, सो क्विकली इतना जल्दी, मैंने इतना जल्दी अपने घर के सामानों पर ध्यान दे दिया, इस तथ्य को लेकर के मेरी माँ आश्चर्यचकित थी। देन तब शी टोल्ड मी अबाउट डार्लिंग, देन तब शी माने वा अर्थात मेरी माँ, टोल्ड माने बताया, मी मुझसे, अबाउट डार्लिंग, तब मेरी माँ ने मिस डार्लिंग के बारे में मुझसे बताया कि मिस डार्लिंग कौन है जो मेरे सामान को ले जाती थी। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर, आई मीन्स मैंने हैड नेवर कभी नहीं हियर्ड सुना था ऑफ हर उनके बारे में, इससे पहले मैंने मिस डार्लिंग के बारे में कभी नहीं सुना था, इससे पहले मैंने मिस डार्लिंग के बारे में कभी नहीं सुना था, बट लेकिन अप्रियंटली स्पष्ट रूप से सी वाजवा थी, एन ओल्ड एक पुरानी, ऐसी क्वेंटेंस माने परिचित आप माई मदर, लेकिन वह मेरी माँ की बड़ी पुरानी परिचित थी, अर्थात बहुत पहले से मेरी माँ का उनका परिचय था, बहुत पहले से उनका और मेरी माँ का परिचय था, मेरी माँ मिस डार्लिंग को बहुत पहले से जानती थी। वेन जब सी हैडेंट सीन फॉर हियर, सी माने वा अर्थात मिस डार्लिंग, हैडेंट माने सीन माने दिखाई पड़ी, फॉर ईयर माने वर्षों से, बेटा वह वर्षों से मेरी माँ से मिलने के लिए नहीं आई थी, बट लेकिन सी वह अर्थात डार्लिंग हैड सडनली अचानक टर्न अप आ गई, लेकिन अचानक वर्षों के बाद डार्लिंग मेरी माँ से मिलने के लिए आई। एंड रिन्यूड माने नया कर लिया, ही डियर कंटेक्ट अपना परिचय, और उन दोनों ने पुनः अपना परिचय अपना प्यार नया कर लिया, एक दोनों के बीच में दोस्ती बन गई। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, सिंस देन तब से, सिंस देन तब से सी माने वा अर्थात डार्लिंग हैड कम आया करती थी रेगुलरली माने नियमित, तब से डार्लिंग मेरे घर पर नियमित आया करती थी। एवरी टाइम प्रत्येक बार सी लीव हियर, सी माने वा अर्थात डार्लिंग लीव माने छोड़ती थी, हियर माने यह स्थान, प्रत्येक बार जब वह यह स्थान छोड़ती थी, सी टेक्स वह ले जाती थी समथिंग कुछ, होम माने घर को बिधर अपने साथ। सेड माई मदर, मेरी माँ ने मुझसे बताया कि जब जब वह मेरे घर पर आती थी, जब मेरे घर से जाने लगती थी, तो अपने साथ कुछ न कुछ सामान लेकर के अवश्य जाती थी। एवरी टाइम सी लीव हियर, प्रत्येक बार जब वह मेरे घर को छोड़ती थी, सी टेक वह ले जाती थी समथिंग कुछ, होम माने घर को बिधर अपने साथ। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा,
सी टुक वह ले गई आल द टेबल सिल्वर, टेबल माने मेज पर लगी हुई, सिल्वर माने चांदी की सामानों को, इन वन वो एक बार में मेज पर सजाए गए जो चांदी के सामान थे, जिसमें चम्मच थे और क्या कहते हैं बेटा वो था कांटेदार चम्मच थे, इन सारे चम्मचों को वह एक बार में उठा ले गई। देन तब द एंटीक्यू माने पुरानी, प्लेट माने प्लेट दैट हैंग दियर, जो पुरानी पुरानी प्लेटें वहाँ पर टांगी गई थी उनको भी वह अपने साथ ले गई थी। एंड देन और तब द एंटीक्यू माने पुरानी प्लेट्स माने प्लेटों को दैट जो हैंग लटकती थी दियर माने वहाँ पर जो पुरानी प्लेटें लटकती थी मेरे घर की घर में उनको भी वह ले गई। सी हैड ट्रेवल्ड उन्होंने परेशानी उठाई, लगेज माने घसीटने में, दोज लार्ज वास, दोज माने उन लार्ज माने बड़े बड़े वास माने फूलदानों को बेटा जो बड़े बड़े फूलदान मेरे घर में रखे थे उनको वह घसीट कर ले जा रही थी, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, बहुत ही पसीना बहाना पड़ रहा था। सी है ट्रबल उन्हें परेशानी उठानी पड़ी थी, लगेज माने लगिंग माने घसीट के ले जाने में, दोज माने उन लार्ज माने बड़े बड़े वासेस माने फूलदानों को। एंड और आई एम बरीड मैं चिंतित थी, मुझे चिंता हो रही थी, मुझे भय था, मुझे चिंतित हो रही थी। सी गॉट वह प्राप्त कर रही थी एक क्रिक दर्द इन हर बैक अपने कमर में विद द क्रोकरी, क्रोकरी एक सामान का नाम है, क्रोकरी को ले जाने में उनकी कमर में दर्द हो रहा था, मुझे विश्वास था कि उन्हें दर्द हो रहा था। माई मदर सॉक हर हेड पिटिंगली, माई मदर मेरी माँ ने शॉक माने हिलाया हर हेड अपने सिर को, पिटिंगली माने करुणा भरे भाव में, एक दया भरे भाव में मेरी माँ ने अपने सिर को हिलाया। आई वुड नेवर हैड डेयर्ड आस्क हर, आई मीन्स मैं अर्थात लड़की कह रही है कि आई मैंने उड नेवर कभी नहीं हैव डेयर्ड माने साहस किया, आस्क माने पूछने का, हर माने उनसे अर्थात मैंने अपनी माँ से डार्लिंग के बारे में कभी पूछने का साहस नहीं किया। सी सजेस्ट इट टू मी, सी माने वाह, सजेस्ट माने सुझाव दिया, इट माने इसे, टू मी ने मुझे, हर सेल्फ स्वयं मेरी माँ ने स्वयं मुझे यह सुझाव दिया। सी इवन इंसिस्टेड, सी माने वाह अर्थात मेरी माँ, इवन हर तरह से इंसिस्टेड माने जोर दे करके मुझे समझाया। शी वॉन्टेड टू सेव, वह चाहती थी बचाना ऑल माई नाइस थिंग्स, मेरे सारे सुंदर सामानों को। माँ ने जोर डाल करके मुझसे कहा कि बेटी डार्लिंग एक ऐसी महिला है जो मेरे सामानों को सुरक्षित रखना चाहती है, बचा करके रखना चाहती है। इफ़ यदि वी हैड टू लीव हियर, वी माने हमें, हैड टू लीव माने छोड़ना पड़ा, हियर माने यह स्थान, यदि हमें अपना यह स्थान छोड़ना पड़ा, वी शैल लॉस एवरीथिंग शी सेज, वी हम शैल लॉस खो देंगे एवरीथिंग सब कुछ शी सेज, सी माने वार्तात मेरी माने कहा कि अगर हमें यह स्थान छोड़ना पड़ा तो हम लोग अपने सारे सामानों को खो देंगे, और मिस्टर डार्लिंग हमारे सामानों को बचाना चाहते हैं। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क, मैंने पूछा अपनी माँ से, हैव यू एग्रीड, क्या आप सहमत हैं विथ हर उसके साथ, दैट की सी शुड कीप एवरीथिंग, वह सारी वस्तुओं को सुरक्षित रख पाएगी। एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड, एज इफ क्या दैट्स नेसेसरी, क्या ये सब बातें पूछना आवश्यक है, माई मदर क्राइड, मेरी माँ चिल्ला, मेरी माँ मुझसे चिल्ला करके पूछी कि जो तुम पूछ रही हो क्या ये सब बातें पूछना आवश्यक है, एज इफ दैट्स नेसेसरी, क्या ये सब सारी बातें पूछना आवश्यक है। इट वुड सिंपली बी, इट माने या वुड सिंपली माने साधारण रूप से, बी माने होगा, एन इंसल्ट बेइज्जती टू टॉक माने बातें करना, लाइक दैट इस प्रकार से, इस प्रकार से बातें करना,
बेइज्जत की बात है, अपमानजनक बात है, किसी का अपमान होगा। एंड और थिंक माने सोचो, अबाउट द रिस्क, जोखिम के बारे में, सीज रनिंग वो कर रही है, जरा उस जोखिम के बारे में सोचो जो जोखिम डॉर्लिंग उठा रही है, कितनी मेहनत कर रही है, कितनी जोखिम के साथ वह हमारे सामानों को ले जा रही है। ईच टाइम, प्रत्येक बार शी गोज आउट, वह बाहर जाती थी आप आवर डोर हमारे घर से, विद फुल माने भर करके सूटकेस आर बैग, जब जब आती थी, प्रत्येक बार जब वह मेरे घर से बाहर जाने लगती थी तो बेटा अपने साथ सूटकेस या बैग को भर करके लेकर के जाती थी। ये रहा पार्ट टू आपका, यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपसे अलविदा लूँगा, आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई दिक्कत आए तो संपर्क करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। 20